हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम मैट्रिस एंड डिटर्मिनेट से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बच्चों थ्री बाई फोर देन ईच रो ऑफ ए हैज यानी कि हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे तो बच्चे क्या सोचते हैं कि तीन रो है तो हर एक रो में तीन एलिमेंट होंगे बच्चों इसका उल्टा समझ लो आप अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री बाय फोर है ना तो हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे फोर और हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे थ्री ऐसे बना के देख लो आप कभी भी जब आपको समझना आए तो आप बना के देखो थ्री रो फोर कॉलम तो फोर कॉलम है तो आप ऐसे फोर लाइनें लगाओ क्योंकि तभी तो देखो फोर कॉलम बनेंगे ना अब आप ये देख लो इस ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है थ्री बाय फोर आपसे क्या पूछा गया है हर एक रो में कितने एलिमेंट है बच्चों ये फर्स्ट रो है और इस फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है बोलो फोर तो बस आप उल्टा समझ लो आज के बाद कि हर एक रो में पूछे तो नंबर ऑफ कॉलम ये कॉलम वाले एलिमेंट्स और कॉलम में पूछे तो रो वाले एलिमेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है इफ़ ए मैट्रिक्स बी इज ऑबटेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर टू बाई टू बाई थ्री कहने का क्या मतलब है कि आपने बी को ऑबटेन किया है कैसे एक मैट्रिक्स है ए टू बाई टू ऑर्डर की है ना ये ए मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करके बचो थ्री से मल्टीप्लाई करके तो बताओ ए और बी में कैसा रिलेशन है तो सिंपल सी बात है बी की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री टाइम्स ऑफ ए हो जाएगी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी थ्री टाइम्स ऑफ ए ऑप्शन नंबर बी आ गया द स्केलर मैट्रिक्स ध्यान से पढ़ो स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पर डायगनल मैट्रिक्स बच्चों क्या होती थी डायगनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नॉन डायग्नल एलिमेंट बच्चों क्या होते हैं जीरो नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे के सारे नॉन डायग्नल एलिमेंट क्या होते हैं जीरो और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायग्नल मैट्रिक्स ही होती है यानी कि डायगनल मैट्रिक्स तो होना ही जरूरी है और इसके जो डायगनल एलिमेंट्स है ना बच्चों डायगनल एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए तो सारे के सारे सेम होने चाहिए बट ये याद रखना इट इज ऑल्सो ए डायग्नल मैट्रिक्स ये डायग्नल मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये मैट्रिक्स बोल दी कि वन और यहाँ पे लिख दो फोर और यहाँ पे भी लिख दो फोर यहाँ लिख दो थ्री और यहाँ लिख दो तो जीरो बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्यों क्योंकि इसके डायग्नल एलिमेंट तो सेम है बट

ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी यानी एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी कब जब आई और जे बच्चों इक्वल ना हो तो आप मेरे को बताओ कोई भी स्कोय मैट्रिक्स है जैसे आप 2 2 की मैट्रिक्स ले लो है ना ये टू बाई टू की मैट्रिक्स है यहाँ पे जो डायग्नल एलिमेंट होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ऐसे लिखते हो तो जो डायग्नल पे एलिमेंट होते हैं ना बच्चों देखो ध्यान से इनमें तो आई और जे क्या होते हैं सेम और में आई और जे क्या होते हैं डिफरेंट इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में ए आई जे एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी कब जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे इसका क्या मतलब हुआ आई और जे ना तो यहाँ पे इक्वल है ना यहाँ पे इक्वल है ये दोनों तो इक्वल है तो ये कुछ भी हो सकते हैं तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है बोलो ये कैसी मैट्रिक्स होती, होती है बच्चों एक डायगनल मैट्रिक्स होती है यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको जिसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स कैसी होती है डायगनल इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने ये थोड़े कहा है कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल है ठीक है तो हम नहीं कह सकते तो ये मैट्रिक्स कैसी है डायगनल मैट्रिक्स इन फॉलोइंग ये तो बहुत आसान है ये तो हो ही नहीं सकती आपको पता होना चाहिए इन चीजों का कि जो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स नहीं है वो कभी डायगनल मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती ठीक है इसमें देखो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें नॉन डायगनल एलिमेंट का क्या होना जरूरी है बच्चो जीरो इसमें नहीं है और ये अपना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इफ एवरी रो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इफ एवरी रो रो ऑफ ए ए मैट्रिक्स पी पी एलिमेंट्स एलिमेंट्स देखो हर एक रो में क्या है P elements है और हर एक कॉलम में बच्चों कितने एलिमेंट है क्यू तो इसका ऑर्डर बताओ मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना ऑर्डर क्या होगा बताओ ऑर्डर ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम है ना ऑर्डर क्या होता है बच्चों रो बाय कॉलम मैंने क्या बोला था आपको हर एक रो में पी एलिमेंट है और हर एक कॉलम में क्यू एलिमेंट है तो बच्चों उल्टा लिखा करो ऑर्डर क्या होगा इसका क्यू क्रॉस

तो क्यू क्रॉस भी इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर आएगा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है दोनों का क्या निकालना है बच्चों आपको सम निकालना है तो सम में क्या करते हैं कोरसपोनिंग एलिमेंट को ऐड करो इसमें ये ऐड करो साइन स्क्र एल्फा प्लस को स्क्र एल्फा ये तो बन होता है सीकंडक्र माइनस टेन स्केयर सीकंड स्क्यर एल्फा माइनस टेन स्कोर एल्फा यह भी बच्चों बन होता है और कोशिकंड स्क्र माइनस कोट स्क्र यह भी क्या होता है बन होता है कोशिकंड स्क्र माइनस ओट स्क्र एल्फा और वन बाय टू प्लस वन बाय टू तो ये तो सारे एलिमेंट क्या हो गए बच्चों वन 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 और वन हो गए तो आंसर क्या आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी आ गया इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको और ये रिलेशन दे रखा है और आपको के की वैल्यू निकालनी है मैं इसके दोनों मेथड आपको देखो बता देता हूँ बेसिक मेथड तो क्या है अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप क्या करो बच्चों ए स्क्वायर निकालो ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए थ्री वन सेवन फाइव थ्री वन सेवन फाइव आपको दोनों मेथड आने चाहिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन इसकी इससे करोगे थ्री प्लस फाइव एट सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस थर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स और ये कितना आ गया सेवन प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी टू आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दो आप मेरे को क्या गिवन है ए यानी कि सिक्सटीन एट फिफ्टी सिक्स और थर्टी टू एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ट्वेंटी वन प्लस थर्टी फाइव और सेवन प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है और प्लस के इंटू आई आई वन जीरो जीरो तो यहाँ से बच्चों के की वैल्यू आप निकाल सकते हो ट्वेंटी फोर एट फिफ्टी सिक्स और कितना आ गया अपना फोर्टी इसमें ऐड करो सिक्सटीन प्लस में क्या आएगा के और ये क्या आएगा आपका एट और ये आएगा फिफ्टी सिक्स और ये कितना आएगा बच्चों थर्टी टू प्लस में के और ये किसके इक्वल है बताओ ट्वेंटी फोर एट फिफ्टी सिक्स

ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए क्या होते हैं सारे डायगेल एलिमेंट का सम उसको क्या बोलते हैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स ए स्क्र माइनस ट्रेस ऑफ ए बच्चों ट्रेस ऑफ ए तो क्या होता है एक नंबर होता है ना इन टू ए प्लस डिटर्मिनेट ऑफ ए आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है जीरो आप किसी भी टू बाई टू मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट वेरीफाई करके देख लेना हमेशा क्या बच्चो, आएगा बच्चों ये ट्रू आएगा ठीक है तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या की मैंने आपको ए स्क्वेयर और ये प्लस एट ए को मैं इधर ले आता हूँ माइनस एट ए और प्लस बच्चों क्या है के इंटू आई इक्वल टू जीरो तो अब आप मेरे को बता सकते हो क्या यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू पूछी जाए ट्रेस ऑफ ए कितनी है एट है ना और यहाँ से भी आप निकाल के देखोगे तो ट्रेस ऑफ ए कितनी है ए तो आप एट तो मुझे बता दो ये जो के है ना के की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेट ऑफ ए की तो इक्वल है तो डिटर्मिनेट ऑफ ए तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना इस क्वेश्चन में क्या है बताओ फिफ्टीन माइनस सेवन कितना आंसर आ गया एट और यही देखो एट निकल के आया है ना तो आप इस अगर रिजल्ट को याद रख पाते हैं तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन नहीं तो बेसिक मेथड को तो याद करो बट ये रिजल्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसके ऊपर ये एग्जाम्पल भी लिख लो आप इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ए बी सी बच्चों तीन मैट्रिक्स है इनका अलग अलग अपने को ऑर्डर दे रखा है ठीक है तो ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा ए बी सी कैसे करते हैं मल्टीप्लाई पहले ए और बी की मल्टीप्लाई होती है फिर उसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी सी से या पहले बी बी सी करो और फिर क्या करो उसकी मल्टीप्लाई ए से करो बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए अब आप मेरे को बताओ ए का ऑर्डर कितना है वन बाय थ्री बी का ऑर्डर कितना है थ्री बाय थ्री और सी का ऑर्डर कितना है बच्चों थ्री बाय वन पहले जब आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर कितना आएगा वन बाय थ्री फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बीच का थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर कितना आ जाएगा वन बाई वन तो ए बी सी का ऑर्डर कितना आएगा बच्चों वन बाय वन आएगा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको चेक करना है कि ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगी ये है है ठीक बी ए जीरो होगी चेक कर लो लो एक बार आप क्या ए बी निकाल के देख लो, पता लग जाएगा एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है आप निकाल के देखो अपने आप ही आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर ये क्या आगे बोलो माइनस वन प्लस वन और ये क्या आएगा अपना वन माइनस वन और ये कितना आएगा माइनस के टू प्लस टू सारे एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं ना टू माइनस टू इसका आंसर क्या आगे बोलो Premises, जीरो एक जीरो मैट्रिक्स आ गई यानी कि ए इंटू बी क्या आ गई एक जीरो मैट्रिक्स आ गई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है अच्छा इससे मैं आपको ना एक रिजल्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन से क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा सोल्व कर देगा इसको मैंने ये क्वेश्चन डाला इसलिए था कि मैं आपको एक रिज़ल्ट बता सकूँ देखो यहाँ पे क्या ए मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स है क्या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं नहीं है ना ये ना ये जीरो मैट्रिक्स है फिर भी ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है फिर भी इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई बच्चों जीरो आ गई तो आप पहले तो ये बात ध्यान रख लेना अगर ए बी जीरो है अगर ए इंटू बी एक जीरो मैट्रिक्स है देन बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी मे बी नॉन जीरो मैट्रिक्स आपको ये तो पता लग गया कि अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स बच्चों नॉन जीरो है ना फिर भी उनकी प्रोडक्ट जीरो आ सकती है ये नंबर की तरह नहीं है कि दो रियल नंबर है ए और बी इनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो होती है तो या तो ए जीरो होगा या फिर क्या होगा बी जीरो होगा या फिर दोनों ही जीरो होंगे ऐसा नहीं है मैट्रिक्स के केस में बच्चों ऐसा नहीं होता फिर आप ये सोचो कि फिर अगर ऐसा नहीं होता तो कोई तो कंडीशन होती होगी कि दो तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो कब आ सकती है या तो दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो जाए तब आएगी दोनों ही नॉन जीरो है तो बच्चों एक कंडीशन होती है कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन कब ज़ीरो आएगी इफ़ डिटर्मिनेट ऑफ एक्वल टू जीरो एंड इसमें किर तो हो जाए याट तो एक साथ जीरो होना जरूरी है अब इस क्वेश्चन में देखना ए का डिटर्मिनेट कितना है बोलो टू माइनस टू जीरो और यहाँ से पी का डिटर्मिनेट कितना है वन माइनस वन ये भी क्या है जीरो तो दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी है समझ गए आप मेरी बात तो अगर ऐसा होता है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी जीरो मैट्रिक्स आएगी बस मैंने रिजल्ट आपको बता दिया ये रिजल्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो एंड वर्ड होगा यहाँ पे ये ध्यान रखना हमेशा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस रूट का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया ना एक्स एक्स की वैल्यू क्या करो ये तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है पहले आप फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करो ठीक है करना एक बार फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगी जीरो फिर वन और फिर टू अच्छा इसमें रो तो एक ही है तो फर्स्ट रो को खत्म कर दो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करो तो रो तो यही आएगी ना बच्चों रो तो एक ही आएगी क्योंकि अभी फर्स्ट रो खत्म नहीं हुई है कॉलम जब खत्म हो जाएंगे तो भी ये रो खत्म हो जाती है ठीक है इसकी इससे करो क्या आएगा x plus 0 plus 2 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करो x और plus 1 plus 0 ये हो गया इनटू क्या है x 1 1 इक्वल टू क्या दे रखी है ये जीरो मैट्रिक्स है तो अब बच्चों क्या हो गया पता है इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है एक रो और एक कॉलम तो फिर जो दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एक एलिमेंट आएगा है, है ना एक सिंगल क्या आ जाएगा एलिमेंट तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करो यानी कि ये कितना है थ्री थ्री इन एक्स अच्छा ये कितना है एक्स प्लस टू और ये कितना है बच्चों माइनस वन ये कितना है एक्स प्लस वन और ये कितना है वन इक्वल टू जीरो यानी कि ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी ऐसे ये एक्स कट गया तो थ्री एक्स इक्वल टू ये कितना आ गया वन तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों वन बाय थ्री ऑप्शन नंबर ए आ गया ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आप इसका रिजल्ट याद कर लो हमेशा हमेशा के लिए रिजल्ट क्या है कि जो भी मैं एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको लिखवा रहा हूँ ना ये सारी आपकी नोटबुक में मिलेंगे बट फिर भी आप इसको अलग से नोट कर लो एक पेज पे ताकि कभी भी मैट्रिक्स चैप्टर आपको रिवाइज करना हो ना तो बस ये रिजल्ट आप पढ़ लो तुरंत आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा रिजल्ट ये होता है अगर कोई मैट्रिक्स ए है कोश एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा तो बच्चों ए की पावर एन जो आएगा ना मतलब ए को एन बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एल्फा की जगह एन एल्फा आ जाएगा बस ठीक है साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कोस एन एल्फा ये रिजल्ट आएगा जैसे कि मान लो आपको ए स्केर निकालना है तो एन की जगह क्या कर दो टू पुट कर दो तो क्या आएगा देख लिया आपने साइन कोस साइन माइनस साइन कोस, कोस. ट्वेल्व आ गया तो ऑप्शन नंबर क्या है ए आप डायरेक्ट टिक कर सकते उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था ए और बी दो मैट्रिक्स है और ए इंटू बी क्या है कि जीरो मैट्रिक्स है तो क्या होना जरूरी है बताओ क्या ये कहोगे क्या कि या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए नहीं दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है ये मैंने अभी आपको बताया था फिर क्या कहता है ये देखो एंड मैं तो ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि दोनों तो मैट्रिक्स का ही जीरो होना जरूरी है जरूरी की बात कर रहे हो ठीक है नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी ध्यान से पढ़ो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो सही है मतलब ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि या तो एक मैट्रिक्स ए का जीरो होना जरूरी है या फिर बी का ये बिल्कुल सही कह रहा है मतलब जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है ये जो बात कही जा रही है ना बच्चों ये क्या है ये ट्रू है कि क्या कह रहे हैं आप ध्यान से सुनो कि ये necessary नहीं है कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, है, जरूरी है ही नहीं और ये भी यह भी यही कह रहा है कि जरूरी नहीं है तो मतलब ये कौन सी matrix की product exist करेगी? तो बताओ A का ऑर्डर बताओ आप मेरे को यहाँ से क्या है रो कितनी है टू और कॉलम कितने हैं थ्री बी रो कितनी है बच्चों थ्री और कॉलम कितने हैं टू आप कभी भी ध्यान रखना मेरी ये बात अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों टू बाय थ्री है दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री बाय टू है तो दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट यानी कि ए बी और बी ए दोनों बच्चों क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी क्यों करेगी बताओ ए बी निकालना हो तो ऑर्डर क्या आएगा इसका ऑर्डर टू बाय थ्री और इसका थ्री बाय टू तो ये थ्री थ्री सेम है तो ऑर्डर कितना आ जाएगा टू क्रॉस टू बी ए निकालना हो निकालना एक बार बी का ऑर्डर थ्री बाय टू इसका ऑर्डर बच्चों टू बाय थ्री तो ये टू टू सेम है ना तो मतलब ये भी क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी जब भी ऐसा है ना रिजल्ट लिख लो आप रिजल्ट क्या होता है अगर ए का ऑर्डर है मान लो पी क्रॉस क्यू और पी का ऑर्डर है बच्चों क्यू क्रॉस पी तो हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड दोनों की दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बच्चों डिफाइन होती है और ये तभी होती है जब ऐसा होगा एक का ऑर्डर अगर पी क्यू है तो दूसरे का क्या होना जरूरी है बच्चों क्यू पी होना जरूरी है तो बोथ एग्जिस्ट करेगी ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसमें आपको इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और बताओ किसके इक्वल है तो करें मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है ये बी है तो ए बी निकाल लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन इंटू टेन एल्फा बाई टू टेन एल्फा बैट आ गया इसकी इससे करो बच्चों माइनस टेन एल्फा बैट हुआ जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वन की वन से करो और इसकी जीरो से करो हो गया इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा बच्चों टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू और ये कितना आ गया वन

then एफ ए क्या होगा बच्चों एफ एक्स की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो एफ ए निकालना है तो मतलब इसमें एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो ए तो ये आपको निकालना ही है अब आप क्या निकाल लो बस ए स्क्यर निकाल लो माइनस टू वन जीरो थ्री माइनस टू वन जीरो थ्री ए स्क्वेयर निकाल लोगे और इसके अंदर जो भी ए स्क्वेयर आएगा आपका माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए कर देना और इसका क्या निकाल लो सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है

अच्छा डिफाइन भी होती है और ए प्लस बी का जो ऑर्डर आएगा ना बच्चों वो भी तो कितना आएगा थ्री बाय टू का ही आएगा और ए माइनस बी का जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा थ्री बाय टू का ही आएगा तो आप ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को ये कहता है ए प्लस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एन है तो क्या आपको इससे ये नहीं पता लग रहा कि एक मैट्रिक्स ए इसका भी ऑर्डर ये रहा होगा और इसका भी ऑर्डर ये रहा होगा तभी तो डिफाइन हुई होगी मैट्रिक्स की एडिशन देन ए बी का ऑर्डर कितना होगा तो बताओ ए बी दोनों जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो फिर जो इन दोनों का ऑर्डर है वही तो बच्चों ए बी का ऑर्डर होगा ना तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ए मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स दे रखी है ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो बिल्कुल आसान है बच्चों या तो आप क्या करो पहले ए इंटू बी कर लो फिर उसका ट्रांसपोज कर देना या फिर एक प्रॉपर्टी भी होती है ना ट्रांसपोज की रिवर्सल लो इसका आंसर क्या होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज तो बी का ट्रांसपोज बोलो थ्री फोर टू माइनस टू और ए का ट्रांसपोज क्या होगा वन टू माइनस वन टू बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो और आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्टेक होने के चांस रहते हैं इसमें अगर आप सही से फोकस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर हंड्रेड परसेंट करेक्ट आएगा एक मैट्रिक्स ए है बच्चों जिसका ऑर्डर एम करोस एन है लिख लो ए का ऑर्डर एम करोस एन है और पी का ऑर्डर क्या है बच्चों एन क्रॉस एम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो क्या होगा तो देखो ध्यान से बी ट्रांसपोज का आप मुझे बता दो अगर बी का ऑर्डर ये है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है उल्टा होता है ना और ए ट्रांसपोज का भी यूज हुआ है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा बोलो एन क्रॉस एम होगा आप ये बोलो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो उसका वो तो क्या आ जाएगी वापस ए आ जाएगी ना तो इसका ऑर्डर बता दो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब आप कहोगे सर जो ए का ऑर्डर है ना वही होगा और एक का ऑर्डर क्या था एम क्रॉस एन और पी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखो ये लिखा हुआ मैंने ये भी क्या है एम क्रॉस एन तो आप मुझे बता दो क्या ये है, ABC तीन मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज बच्चों क्या होता है आपको पता है ना प्लस माइनस के अंदर ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है यानी कि अगर ऐसा होना प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ट्रांसपोज निकालना हो तो आप अलग अलग ट्रांसपोर्ट निकाल के भी ऐड कर सकते हो आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ गया ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट आपको निकालना है एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए तो पहले ए लिखो कोस माइनस साइन और फिर क्या आएगा साइन और कोस और इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्या इसके ट्रांसपोज से तो कोस माइनस साइन और ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन और कोस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी आपको आती है सोल्व कर लेना बस इसको

ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करो बच्चों ये भी क्या है सही तो पहला ऑप्शन क्या आएगा अपना करेक्ट आएगा ठीक है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स ए दे रखी है ए और ए और का ट्रांसपोज इक्वल है तो एक्स और वाई की वैल्यू बता दो बच्चों ए की वैल्यू रखो थ्री एक्स बाई जीरो ए ट्रांसपोज बोलो क्या होगा थ्री एक्स बाई जीरो यही होगा ये होगा ना अब ये इक्वल है तो इसका मतलब ये एक्स किसके इक्वल हो गया बोलो वाई के और यहाँ से एक्स इक्वल हो गया बच्चों वाई के तो ये तो एक ही कंडीशन निकल के आ रही है बस क्या है एक्स और वाई आपस में इक्वल है सोल्व कर दो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वही आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है ए इंटू ए ट्रांसफोज आपको बच्चों निकालना है तो ए इंटू ए ट्रांसफोर्स आपको निकालना है तो कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके ट्रांसपोज से यानी कि कोस साइन माइनस साइन और कोस और सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक मैट्रिक्स है ए थ्री बाई फोर ऑर्डर की और ये बोलता है कि ए बी ट्रांसफोर्ज एंड बी ट्रांसपोज इन टू ए बोथ आर डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ इज तो ये आप मेरे को बताओ कि अगर ये दोनों डिफाइंड है तो इसका ऑर्डर क्या होगा बी का ए का ऑर्डर तो बच्चों आपको दे रखा है थ्री बाय फोर बी का ऑर्डर क्या होगा आपको निकालना है और क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में ए बी ट्रांसफोज और P ट्रांसपोज इन A ए दोनों डिफाइंड है अभी मेरी बात आप याद करो मैंने एक बार आपको क्या बताया था अगर ए बी और पी ए बच्चों दोनों डिफाइंड है तो फिर उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर एक का थ्री क्रॉस फोर है तो दूसरे का क्या होना चाहिए फोर क्रॉस थ्री होना चाहिए आप मानते हो ना आप ये बताओ अगर ए का ऑर्डर थ्री बाई फोर है ये तो फिक्स है और इसका ऑर्डर भी कितना है थ्री बाई फोर अब बता दो अगर ये दोनों डिफाइंड है ये भी और ये भी तो फिर मैं ये नहीं कह रहा बी का ऑर्डर नहीं मैं बी ट्रांसपोज का ऑर्डर की बात कर रहा हूँ बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर इसका थ्री बाय फोर है तो इसका फोर बाय थ्री क्योंकि तभी तो ये दोनों डिफाइंड होगी ना तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ट्रांसपोज का ऑर्डर फोर बाय थ्री है तो फिर बता दो तो मेरे को बी का ऑर्डर क्या होगा बी का ऑर्डर होगा बच्चों थ्री बाय फोर रटना नहीं है अगर रटोगे तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा गलत आएंगे आप कॉन्सेप्ट को समझो मैंने अभी बताया था अगर ये और ये दोनों डिफाइंड है

इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है बताओ ग्यारह बारह ए वन टू इसका उल्टा ए टू वन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं साइन में ओपोजिट होते हैं मतलब एडिटिव इनवर्स होते हैं ठीक है फाइव माइनस फाइव ये कौन सी पोजिशन पर बताओ ए वन थ्री तो ए थ्री वन देखो ए थ्री वन इसका उल्टा साइन है ना ये कौन सी पोजिशन है बोलो ये इक्कीस बाईस तेईस ए टू थ्री ए थ्री टू इन दोनों के साइन भी क्या है देखो उल्टे एक दूसरे के तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और अगर ये मैट्रिक्स ए है

जीरो है इसका मतलब ए इक्वल टू क्या है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स कैसी होती है बताओ सीमेट्रिक हो, होती है ना इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ए एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है बी स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ बच्चों कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है फोल्स तो इसमें क्या पूछा गया देखो कॉन्सेप्ट लिख लो आप बच्चों अगर ए सीमेट्रिक है अगर ए क्या है सीमेट्रिक है तो इसका मतलब ए की कितनी भी पावर कर लो वो भी हमेशा क्या होगी सीमेट्रिक मैं क्या कह रहा हूँ अगर कोई सीमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका आप स्केयर कर लो उसका क्यूब कर लो उसकी फोर पावर कर लो हमेशा जो आंसर आएगा ना वो भी एक क्या मैट्रिक्स होगी सीमेट्रिक ही होगी बट ध्यान रखना मेरी बात अगर स्क्यू स्क्यूसमीट्रिक है ना तो बच्चों पी की कितनी भी पावर करो वो ना तो हम ये कह सकते कि वो सीमेट्रिक है ना ये कह सकते स्क्यू स्क्यूसमीट्रिक है बल्कि पी की अगर बच्चों ओड पावर करोगे ना मैं क्या कह रहा हूँ अगर ओड पावर करोगे तो वो स्क्यू स्क्यूसमीट्रिक आएगी और अगर बी की बच्चों इवन पावर करोगे ना तो वो क्या आएगी हमेशा सिमिट्रिक आएगी तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट पता नहीं है ए की पावर एन सिमिट्रिक होगी यस ये तो ट्रू है ए की पावर एन तो हमेशा सिमिट्रिक होती है ए की पावर एन सिमिट्रिक होगी कहता है ओनली वेन एन ई जीवन नहीं ये गलत है क्यों मैंने क्या कहा था अगर एक मैट्रिक्स ए सिमिट्रिक है तो उसकी पावर कुछ भी करो इवन वोट वो हमेशा क्या आती है सिमिट्रिक बट ये क्या कह रहा है कि सिर्फ तभी सिमिट्रिक होगी जब एन इवन होगा ये तो गलत है बी की पावर एन स्क्यू सिमिट्रिक होगी जब एन क्या होगा ओड मैंने बताया आपको सही है ये भी ये भी क्या है बच्चों ट्रू और बी की पावर एन सिमिट्रिक होगी जब एन क्या होगा इवन ये भी क्या है ट्रू तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया बताओ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है एक स्क्र मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोर्ज बचो हमेशा ध्यान रखो कोई भी ए स्क्र मैट्रिक्स हो सकती है यानी कि ये सिमिट्रिक है स्क्यू सिमिट्रिक है इस बात से कोई मतलब नहीं है तो हमेशा ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये हमेशा जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी

एडजॉइंट की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स से कर दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा और वो भी एक खास तरह का आंसर आता है क्या डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई आई वही अगर ये टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो आई टू होगा थ्री बाई थ्री की है तो आई थ्री होगा ठीक है ये क्या होती है बच्चों एक थ्योरम होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ए इंटू एट ऑफ ए दिया गया है क्या थ्री जीरो जीरो थ्री इसमें से मैं थ्री को मान ले लू वन जीरो जीरो वन यानी कि थ्री आई हो गया

और फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से निकालना हो तो मैट्रिक्स होती है एन क्रॉस एन की है ना यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि एक बार एड निकालो फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से एड निकालो नहीं आपको सिर्फ क्या करना है एक मैट्रिक्स जो भी दे रखी है उसका क्या निकाल लो डिटर्मिनेट उसकी पावर कितनी कर दो उसके ऑर्डर से टू कम है ना और इन टू कर दो उसको ए से अच्छा अब स्पेशल केसेस लिखवा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको पेपर में ये सॉल्व ही ना करना पड़े क्वेश्चन स्पेशल केसेस क्या होते हैं बताओ अगर एक मैट्रिक्स ए है टू बाई टू ऑर्डर की तो बताओ मेरे को एडज्वाइंट ऑफ एड ऑफ ए क्या आ जाएगा फॉर्मला लगाओ ना डिटर्मिनट ऑफ ए की पावर क्या होगी बोलो टू माइनस टू इन टू ए और टू माइनस टू तो क्या होता है जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जीरो क्या होता है वन तो मतलब कि वापस से ए आ जाएगी अगर टू बाई टू ऑर्डर का बच्चों आप निकालोगे और जो आंसर आएगा फिर से उसका तो वापस क्या वो? एक ए ही आ जाएगी बट अगर थ्री थ्री की मैट्रिक्स तो की पावर थ्री माइनस टू होगा ए और डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू ए आ जाएगा ना कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स थ्री बाय थ्री ऑर्डर की है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उसके एडज्वाइंट का एडजॉइंट निकालो तो बस अब क्या करना उस मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेट से क्या कर देना बच्चों मल्टीप्लाई कर देना यही तो मैंने यहाँ पे सिखाया आपको ठीक है तो निकाल लो बस इस मैट्रिक्स का 1 6, 2 4, और प्लस थ्री इंटू क्या आएगा बच्चों जीरो तो ये आ गया सिक्स माइनस एट यानी कि माइनस टू तो अपना आंसर बताओगे मैंने अभी क्या कहा था डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू ए माइनस टू इंटू ए आंसर क्या माइनस टू ए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है ए आपको दे रखी है मैट्रिक्स अब की आपको ए निकालना है। तो ऐसा नहीं करना कि पहले डिटर कितना तो बोलो वन इंटू सिक्स माइनस वन माइनस टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू क्या आगे आपका जीरो माइनस सिक्स तो यह आ गया फाइव प्लस फोर और माइनस के एटीन तो ये तो क्या आ गया बच्चों माइनस के नाइन आ गया क्या माइनस के नाइन तो ए इंटू एडजवाइंट ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई यानी माइनस नाइन इंटू आई और आई क्या होती है एक मैट्रिक्स होती है ना कि डिटर्मिनेट है ना जीरो वन जीरो 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 वन इसका आंसर क्या आएगा माइनस नाइन जीरो 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 माइनस नाइन जीरो और जीरो जीरो माइनस नाइन अब बच्चा देखते ही किसको टिक करेगा पता लग गया बच्चा देखते ही इस बी ऑप्शन को टिक कर देगा कि माइनस को मन ले लिया और ठीक है नहीं बच्चों ये जो वैल्यू दे रखी है ना ये ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स नहीं है ये पूरा तो क्या है एक डिटर्मिनेंट है ना और ये भी डिटर्मिनेंट है ये भी डिटर्मिनेट है तो देखते ही आप टिक कर देना क्या नन ऑफ दीज क्यों क्योंकि ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगी मैट्रिक्स आएगी और तीन ऑप्शन में कोई भी मैट्रिक्स नहीं है तो इसको टिक मत कर देना ध्यान से आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में ठीक है

मतलब वैसे तो इसको कोफैक्टर से भी डिनोट करते हैं ए टू थ्री को मतलब इसका कोफैक्टर बट वो क्वेश्चन में लिखा होगा यहाँ पे इस जो आपको निकालना है ना ये इसको निकालनाट एट टू थ्री पोजिशन मतलब सेकेंड रो मतलब और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा किस में एड ऑफ ए में यानी कि पहले आप एडज्वाइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स निकालो ठीक है मान लो मैं कहता हूं एड्जॉइंट ऑफ ए आपने एक मैट्रिक्स निकाली और वो मैट्रिक्स ऐसी आ गई कोई तो आएगी अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना वो क्या पूछा गया है कि एड्जॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा बच्चों बताओ क्या होता है 11 12 13 21 22 23 मतलब कि इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम हमारा आंसर बोलेंगे ठीक है और ये आपको क्या करना है निकालना है अब एक बच्चा सोचेगा फिर तो हमें पहले पूरा क्या निकालना पड़ेगा एट ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी फिर ये छठा एलिमेंट हम निकालेंगे नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना आप एक बात बताओ एट ज्वाइंट ए निकालते कैसे थे आप एट ज्वाइंट ए याद करो सारे के सारे को फैक्टर निकालते थे सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री निकालते थे ना सारे एलिमेंट के क्या को फैक्टर अभी आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन के अंदर कैसे आएगा और फिर को फैक्टर का क्या निकालते थे ट्रांसपोज यानी कि सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू और सी थ्री थ्री बच्चों ये निकालना है ना ऑफ ऑफे जो होती है ना वो ये मैट्रिक्स होती है आगे ऑफ ऑफे अब आपको कौन सा किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ आपका आंसर क्या है बच्चों सी थ्री टू है और सी थ्री टू आप समझ गए क्या होता है सी थ्री टू होता है कोफैक्टर किसका कोफैक्टर बच्चों ए थ्री टू का है ना यानी कि ए मैट्रिक्स में जो इस पोजीशन पे एलिमेंट है ना ये वाला थ्री टू है पोजिशन पे इसका क्या निकालना है कोफैक्टर तो कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू और ये रेड वाला जो एलिमेंट है इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो बाकी डिटर्मिनेट भी लिख दो वन तो माइनस माइनस वन माइनस के ट्वेल्व बच्चों कितना आ गया आंसर थर्टीन आ गया बस अब इतना मैंने समझाया आपको एग्जाम में आपको शॉर्टकट बता देता हूं सीधा एडजॉइंट ऑफ ए का टू थर्ड टू थ्री एलिमेंट निकालना हो तो बस इसका उल्टा कर दिया करो क्या थ्री टू और इस मैट्रिक्स में जो थ्री टू पोजिशन पे एलिमेंट है ना बच्चों उसका क्या निकाल दो को फैक्टर निकाल दो क्या निकाल दिया करो को फैक्टर ऑफ ए थ्री टू बस क्वेश्चन खत्म जैसे मान लो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप निकालना हो आपको एडजॉइंट ऑफ ए और वन टू ये निकालना हो इस मैट्रिक्स से तो इसका मतलब क्या है बताओ को फैक्टर इसका मतलब क्या है बच्चों

ट तो निकालना हो तो सीधा और उसकी पावर कर दोन माइनस वन और एन है तो एक कम करते हैं ना द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए एक अगर ए क्या है बच्चों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसका एडजॉइंट भी क्या होता है हमेशा symmetric होता है ठीक है इनवर्स बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं इनवर्स का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है ऑफ ए अपॉन ऑफ ए तो पहले तो इसका डिटर्मिनेट निकाल लो एट माइनस सेवन यानी कि बन आ गया डिटर्मिनेट तो बन आ गया बट एडजट निकालने का मैंने आपको याद करो टू बाई टू का फोर अगर एक मैट्रिक्स ए है टू बाई टू ऑटर की तो बच्चों एडज्वाइंट निकालने का तरीका आपको याद है क्या जो डायगनल एलिमेंट होते हैं ना उनको तो इंटरचेंज कर दो मतलब फोर टू की जगह टू फोर कर दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका बच्चों को डिवाइड कर दो किससे कितना है तो यही अपने क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया टू माइनस सेवन माइनस वन फोर टू माइनस सेवन माइनस वन फोर ऑप्शन नंबर ए हो गया यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसका डिटर्मिनेट बच्चों आपको फोर दे रखा है ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल देता हूँ डिटेनेट देखो ए प्लस वन इन टू ये क्या आएगा वन प्लस वन यानी कि टू माइनस वन और ये क्या आएगा वन माइनस वन जीरो और प्लस वन इन टू वन प्लस वन ये वैल्यू आपको फोर दे रखी है तो कर लो सोल टू इन टू ए प्लस वन और प्लस टू इक्वल टू क्या आ गया फोर इस प्लस टू को उधर शिफ्ट कर दो टू टू से टू कैंसिल कर दो ए प्लस वन क्या आ गया वन ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो ऑप्शन नंबर डी आ गया ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट सेवन दे रखा है इसका फोर दे रखा है तो कर लो इसका डिटनेट सेवन कैसे निकालते हो बताओ टू एक्स माइनस फोर वाई और इसका डिटर्मिनेट क्या होगा बच्चों बोलो टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू क्या है फोर दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो सब कर दो ये कैंसिल माइनस वाई इक्वल टू थ्री तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बोलो

फोर आइटा इंटू माइनस थ्री आइटा यही होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई बोलो कैसे करते हो फाइव का स्क्वेयर और मैंने क्या कहा था बीच में प्लस लगा दिया करो साइन और आइटा नहीं आईटा का कोफिशियंट यानी कि वन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र लगा दिया ठीक है और माइनस माइनस प्लस फोर थ्री जर ट्वेल्व ट्वेल्व आईटा तो ये कितना हो गया माइनस ट्वेल्व थर्टी ट्वेंटी सिक्स में से ट्वेल्व गया फोर्टीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपको इस डिटर्मिनेट की बच्चों क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है तो आंसर क्या आ गया अपना देखो बाहर वन बाई एक्स माइनस वाई तो चल ही रहा है और इसकी वैल्यू निकाल लो ये तो दोनों जीरो है तो बस पहले एलिमेंट से सोल्व कर लो क्या आएगा बोलो एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अब आपको फॉर्मूला पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई होता है बच्चों ठीक है और एक्स माइनस वाई नीचे है ये कट गया तो आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी आ गया

क्या क्या बच कितना कितना आ गया 11. M13 बोलो First row, second column को छोड़ दो आंसर आएगा देखो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको एक डिटर्मिनेट uh, दे रखा है डेल्टा और ए टू बी टू सी टू बच्चों को फैक्टर्स है किसके

को फैक्टर्स और फिर उनको ऐड कर देते हो तो जो वैल्यू आती है ना बच्चों वो क्या आती है डेल्टा की वैल्यू आती है मतलब कि डिटर्मिनेट की वैल्यू आती है ऐसे ही अगर सेकेंड रो को अगर आप सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई उनके कोरोस्पॉ को फैक्टर से कर देते हो और फिर ऐड करते हो तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपको पता है आंसर आएगा डिटर्मिनेट की वैल्यू बट अगर आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड रो के को फैक्टर से करते हो या थर्ड रो के को फैक्टर से करते हो तो आंसर हमेशा बच्चों क्या आएगा जीरो आंसर क्या आएगा जीरो लेकिन अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के को फैक्टर से करते हो तो आंसर क्या आएगा कोई नहीं बता सकता ठीक है फिर एक रैंडम आंसर आएगा तो इसमें ध्यान से पढ़ो क्या है देखो ए वन बी वन सी वन ये ए वन बी वन सी वन बच्चों किसके एलिमेंट है बताओ फर्स्ट रो के हैं लेकिन इनकी मल्टीप्लाई किससे की गई है सेकेंड रो के को फैक्टर से की गई है ना ए टू बी टू और सी टू ये क्या है बच्चों ए टू बी टू और C2 से तो मैंने क्या बताया था अगर किसी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के को से करोगे और फिर ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है जीरो आता है इसमें क्या बोलता है बच्चों इस टू एक्स एलिमेंट का जो को है ना वो क्या है जीरो है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है तो यानी कि को निकाल दो बच्चों ये क्या ग्यारह बारह तेरह इक्कीस बाईस तो यानी कि सी टू टू निकाल दो सी टू टू का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वन की पावर टू प्लस टू और इनको छोड़ दो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो बाकी एलिमेंट को लिख दो और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है जीरो इस को फैक्टर की वैल्यू क्या है बच्चों जीरो 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 तो 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 कर लो ये तो बाहर प्लस प्लस ही आ आ गया 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 माइनस माइनस क्या क्या हो गया? प्लस, तो एकस, minus, क्या गया? जीरो, की वैल्यू क्या आ जाएगी वन खत्म क्वेश्चन इसका बच्चों आपको क्या निकालना है डिट निकालना है ये तो सीधा ही दिख रहा है मेरे को सेकेंड रो में से बच्चों यहाँ से एम क्या ले लो कॉमन ले लो और एम अगर कॉमन लोगे तो बताओ डिटर्मिनेट में आपको पता ना हर एक रो और हर एक कॉलम में से अलग अलग कॉमन लिया जा सकता है ठीक है ये आ गया अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो जीरो आएगी जीरो क्यों है क्योंकि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड बच्चों क्या है आइडेंटिकल है दोनों तो कॉलम की वैल्यू देखो सेम है ना सारे एलिमेंट सेम है आंसर क्या आएगा जीरो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है बच्चों इस डिटर्मिनेट की वैल्यू अगर डेल्टा है तो इस डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है सीधा आंसर देखो आपको इसका आंसर निकालना है पी स्केर ए जीरो जीरो पी बी पी सी सी ए और ए बी बच्चो ध्यान से देखो कॉमन लेना है आपको कहाँ से कॉमन आ रहा है पहले कॉलम में से पी कॉमन आ रहा है क्या आप ये बता दो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों पी तो पी को बाहर लिखो और पी से इसको डिवाइड करो पी ए और ये क्या आ गया पी और ये क्या आ गया सी बाकी सारे एलिमेंट को क्या लिख दो सेम अब एक कॉमन और बता दो एक कॉमन कहाँ से आ सकता है देखो यहाँ पे ए बचा हुआ है तो फर्स्ट रो से बच्चों पी कॉमन ले लूँ क्या फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लो पी तो एक पी तो पहले ही है एक पी और तो ये क्या बचेगा ए जीरो जीरो और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे बच्चों सेम और मेरे को ये बता दो पी स्क्र इंटू ये तो एज इट इज क्या लिखा हुआ है डेल्टा लिखा हुआ है ना तो आंसर क्या आ गया अपना पी स्क्र इंटू डेल्टा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इस डिटर्मिनेट की बच्चों आपको क्या बतानी है वैल्यू बतानी है तो क्या है ये डिटर्मिनेट वन बाय ए वन बी सी और यहाँ पे लिख लो वन बाय बी वन सी ए यहाँ पे बच्चों क्या है ए बी या तो देखो दो तरीके हैं इसके या तो आप क्या करो ए बी सी को कुछ मान लो मैं कहता हूँ ए बी सी को कुछ भी मान लो ए को वन मान लो बी को टू मान लो सी को थ्री मान लो कुछ भी मान लो आप ठीक है कोई फर्क पड़ता ही नहीं ऐसा मान के और इसकी वैल्यू को सोल्व कर लो या दूसरा तरीका क्या है बट? मेरे को दिख रहा है देखो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को बल्कि मैं कहूँ फर्स्ट कॉलम को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो किससे मल्टीप्लाई कर दो किससे विद ए बी सी तो अंदर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर क्या करना पड़ेगा डिवाइड अब आप मेरे को बताओ इसको जब आप ए बी सी से डिवाइड करोगे मैं करके नहीं दिखा रहा सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ए बी सी से तो ये जो एलिमेंट है बच्चों फर्स्ट कॉलम के ये आपको लग रहा है ये क्या बनेगा बी सी ये क्या बनेगा सी ए और ये क्या बनेगा ए बी और यहाँ पर भी देखो तो यही है बी सी सी ए और ए बी तो ये तो सेम हो गए तो आंसर क्या आएगा जीरो क्योंकि कॉलम वन और कॉलम थ्री क्या हो जाते हैं इससे सेम हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं ये कहता है अगर हर एक रो को, एक डेटर्मिनेट की, हर एक 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 रो रो को को की बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्री से थर्ड ऑर्डर का है ठीक है डेल्टा है बच्चों ऐसा थर्ड ऑर्डर का मतलब थ्री बाय थ्री का एक डेल्टा है अगर इसकी हर एक रो को हम क्या कर दें बच्चों थ्री से मल्टीप्लाई कर दें आप मेरे को एक बात बताओ हर एक रो को अगर थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नए डेटर्मिनेट की वैल्यू तो मैं न्यू डेल्टा लिखूं मैं लिख देता हूं क्या न्यू डेल्टा इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी है बच्चों ए सी टी ई एफ जी एच और आई ये है ओल्ड डेल्टा और ये क्या कहता है न्यू कब आएगा जब हर एक रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों से तो बताओ आप मेरे को फर्स्ट रो को आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गए सेकेंड रो को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके एलिमेंट ये बन गए और थर्ड रो को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे

जो भी है जेट इनकी सबकी क्या कर लो वैल्यू अज्यूम कर लो या फिर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्या ब्रेकिंग दी दिटर्मिनेट इस डिटर्मिनेट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं वो कैसे ब्रेक करते है? देखो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का साइन दिख रहा है बीच में है ना इन दो एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन है तो आप इस सिंगल डिटर्मिनेट को दो डिटर्मिनेट में बच्चों ब्रेक कर सकते हो कैसे देखो फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को तो आप लिख लो सेम चाहे आप वेरीफाई कर सकते हो वैल्यू निकाल के ठीक है इनको तो क्या लिख लो सेम दोनों तो डिटर्मिनेट के अंदर और जो पीच का कॉलम है ना बच्चों उसमें क्या लिखोगे पहले वाले डिटर्मिनेट में ये पहले एलिमेंट लिख दो यानी कि एम ए एम बी और एम सी और दूसरे में बच्चों यहाँ पे लिख लो एन एक्स एन वाई और एन जेड ये लिख दिया मैंने अब आप मेरे को बता दो क्या इसका आंसर जीरो है क्या और क्या इसका आंसर जीरो है क्या ये क्यों जीरो है आप बस ये बता दो क्योंकि आपको ये लग रहा है क्या कि इस सी टू में से आप सी टू में से बच्चों क्या ले लो एम को कॉमन ले लो और एम को कॉमन ले लोगे तो उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि सी वन और सी टू क्या बन जाएंगे सेम और इसकी वैल्यू जीरो यहाँ से बच्चों सी टू में से सी टू में से एन क्या ले लो कॉमन और एन कॉमन लेने के बाद सी टू और सी थ्री बच्चों क्या बन जाएंगे सेम तब इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो तो आंसर क्या आएगा इसका जीरो आएगा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसकी वैल्यू आपको जीरो दे रखी है तो बताओ एक्स क्या होगा बच्चों एक बच्चा तो क्या करेगा देखो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करेगा बट आप सोच पा रहे हो कि कितनी बड़ी एक्सपेंशन हो जाएगी अगर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया आप इसके एलिमेंट को देखो ध्यान से ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ऐसे ही रो में है तो आप क्या करो ऐसे सारे क्वेश्चन में आप किसी भी एक रो को चेंज कर दिया करो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है इसको चेंज करना एक बार उससे क्या होगा फर्स्ट रो में आप आर वन प्लस, R2 प्लस R3 करके लिखोगे तो आपको ध्यान न रहे क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए क्या बन जाएगा थ्री ए और एक एक्स कट जाएगा एक माइनस एक्स बच जाएगा तीनों का आंसर यही आएगा है ना बस हो गया अब क्या करो बाकी दोनों को तो सेम लिखो हमने तो सिर्फ फर्स्ट रो को चेंज किया बाकी दोनों को बच्चों कुछ मत करो एज इट इज कॉपी कर दो बस और इसकी वैल्यू क्या रखे जीरो अच्छा अब थ्री ए माइनस एक्स कॉमन ले लें थ्री माइनस एक्स कॉमन लोगे यहाँ तक पहुंच गए अब आपको पता है कि कोई भी एक रो के एलिमेंट अगर सारे वन वन बन, बन जाए तो फिर इसमें से ये माइनस कर दो इसमें से ये माइनस कर दो यानी कि सी टू को चेंज करो क्या सी टू माइनस सीवन अगर आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो बट मैं कहता हूँ एक्सपेंड करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ठीक है इसलिए डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी लगाओ सी थ्री माइनस सीवन तो बोलो ये क्या आएगा थ्री ए माइनस एक्स तो आपने चेंज किसको किया सी टू और सी थ्री को तो पहला कॉलम तो क्या लिखो सेम लिखो दूसरे कॉलम में से मतलब इसमें से ये क्या करो बच्चों माइनस इसमें से ये माइनस करो मतलब कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से ये वन है वन में से वन गया जीरो अच्छा इन दोनों को आपस में माइनस करो ए से ये कट जाएगा एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स और इनको आपस में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा वन माइनस वन और इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस के टू एक्स आएगा और इसमें से ये माइनस करोगे तो बच्चों क्या आएगा प्लस के टू एक्स आएगा आ गया इसकी क्या वैल्यू तो, जीरो। तो एक्स, अब इसको एक्सपेंड कर आसान क्वेश्चन है आपको इस डिटर्मिनेट की क्या निकालनी है बच्चों वैल्यू मैंने आपको शॉर्टकट लिखवा रखे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ये शॉर्टकट जो भी मैं दोबारा चीजें बता रहा हूँ आप सारे लिखते जाओ अपनी कॉपी में क्योंकि आपको या तो क्या है बच्चों याद है अगर याद नहीं है ईमानदारी से तो आपको दोबारा लिखनी चाहिए क्यों क्योंकि तो फिर कभी दस दिन बाद बीस दिन बाद ये चैप्टर रिवाइज करोगे फिर आप भूल जाओगे तो इससे अच्छा क्या है जो नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको याद नहीं है तो आप अपनी नोटबुक के एक सिंगल पेज पर वो सारी की सारी वैल्यू लिख लो ताकि दोबारा जब आपको मेट्रिक स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़े ना तो ये लेक्चर ना देखना पड़े सिर्फ आपको वो पेज अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तब भी आपका सारा चैप्टर क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा शॉर्टकट ये होते हैं वन या पहले आप ये लिख लो एक में लिखो आप एक में एलिमेंट लिख लो वन 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 फिर लिख लो ए बी सी और फिर लिख लो बच्चों क्या ए स्क्र बी स्क्र और सी स्क्र इसकी जो वैल्यू होती है ना वो क्या होगी ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए ये होती है दूसरा अगर आप क्या करो बच्चों पहले यहाँ पे तो सेम लिखो एलिमेंट इसको ए स्क्यर बी स्क्र सी स्क्वेयर कर दो और इसको ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब कर दो ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या होती है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए तो होगी होगी बस क्या हो जाएगा बताओ ये देखो दो पावर ये तीन पावर ये दो और तीन मिलकर पाँच हो गए तो साथ में क्या कर दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है ठीक है क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे डिग्री कितनी आएगी बताओ थ्री आएगी डिग्री थ्री और इसकी डिग्री कितनी है हर एक टर्म की टू थ्री और टू मिलके क्या हो जाएगी फाइव तो शॉर्टकट ये था अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे क्या यहाँ अकेला मेरे को बी सी दिख रहा है यहाँ सी ए दिख रहा है यहाँ ए बी इसको किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है बोलो ए से इसको बी से और इसको सी से बट अकेले एलिमेंट को थोड़े करेंगे पूरे कॉलम को करेंगे है ना सी वन को मल्टीप्लाई करो बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर लो बाय ए और सी टू को किससे मल्टीप्लाई कर लो बी से और सी थ्री को बच्चों मल्टीप्लाई कर लो किससे सी से तो बताओ डेल्टा क्या आ जाएगा अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा पहले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं देखो ऐसे कर दिया फिर इसको पी से कर रहा हूँ मैं पी स्केर पी क्यूब ABC, ये क्या आएगा बच्चों और ABC. बोलो थर्ड रो में से लेके से काट क्या कर दो इनको इंटरचेंज कर दो पहली और इसको इंटरचेंज करो और फिर इसको इससे इंटरचेंज कर देना तो बच्चों यही बन जाएगा क्या ये सेम बन जाएगा जो मैंने आपको ये शॉर्टकट लिखवाया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देखो

टू थ्री और ये भी देखना में होना चाहिए. ये देखो, इस की है बट ये तो देखो एम सी वन एम प्लस वन सी वन इसकी फॉर्म में है तो अगर सीधा फॉर्मूला लगाओगे आप एन सी आर का क्या होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहुत लेंथी क्या करना चाहिए एम की कोई वैल्यू अजूम कर लो ये सारे बीच में साइन क्या है बच्चों प्लस है ठीक है आप एम को कुछ भी मान लो मैं कितना मान लो एक बार टू अब देख लो टू मानने से कोई आंसर मैच तो नहीं कर रहे टू मान लोगे तो ये आंसर कितना आएगा बोलो टू इंटू टू प्लस वन यानी कि सिक्स ये आंसर क्या आएगा टू इंटू टू माइनस वन यानी कि टू ये वन है ये जीरो है मतलब चारों के चारों ऑप्शन क्या है अलग अलग है तो मेरे को ऑप्शन चूज करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी तो बस डेल्टा बता दो एम को टू मान लोगे तो क्या होगा ये क्या होगा बच्चों टू सी वन ये टू प्लस वन यानी कि थ्री थ्री सी वन ये फोर प्लस वन यानी कि फोर प्लस टू फोर सी वन टू सी टू और ये कितना होगा बोलो थ्री सी टू और ये बच्चों कितना होगा फोर सी टू ये हो गया अब इनकी वैल्यू निकाल लो वन 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 टू सी वन क्या होता है टू ये थ्री और ये फोर टू सी टू क्या होता है वन ये थ्री और ये कितना होता है बच्चों सिक्स इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो एटीन माइनस ट्वेल्व एटीन माइनस ट्वेल्व और माइनस वन ये कितना आ गया ट्वेल्व माइनस एट ट माइनस फोर और प्लस वन इन टू सिक्स माइनस थ्री सोल्व करो सिक्स माइनस एट प्लस थ्री आंसर कितना सी आ, आ गया इस क्वेश्चन में क्या कहा गया एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको इस इक्वेशन के लिए तो क्या बिल्कुल कुछ भी बिना सोचे इसको क्या कर लो सिंपलीफाई कर लो ठीक है डिटर्मिनेट को एक्सपेंड करो वन इंटू ये कितना आ गया बोलो माइनस टेन एक्स स्क् और माइनस के टेन एक्स माइनस फोर और ये क्या आएगा बच्चों फाइव एक्स माइनस के फाइव और प्लस ट्वेंटी टू क्या आएगा टू आएगा बच्चों टू एक्स प्लस में टू टू एक्स प्लस में टू इक्वल टू क्या लिख दो जीरो अब आप क्या करो कोई भी कॉमन लिए बगैर एक बार आप इसको ज़्यादा सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करो देखो आसान है ये क्वेश्चन बहुत ट्वेंटी एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस प्लस के फोर्टी एक्स और प्लस के फोर्टी इक्वल टू जीरो कितने हो गए बोलो माइनस के थर्टी एक्स स्क् माइनस टेन प्लस फोर्टी प्लस के थर्टी और ये कितने हो गए प्लस के सिक्सटी थिंक थर्टी कॉमन लेके काट दो थर्टी कॉमन लेके काटोगे तो ये आ गया एक्स माइनस भी कॉमन लेके काट दो फैक्टर तो, तो दो वैल्यू आ गई बच्चों एक टू और एक माइनस वन टू और माइनस वन टू और माइनस वन ये आ गया इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों किस किसमें है ap में तो इस डिटमिनेट की वैल्यू बताओ बच्चों लगभग मैं कहता हूँ रिस्क लेके ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या टिक कर देना जीरो बट कैसे देखो अगर ए बी सी ए पी में है बच्चों ए बी सी ए पी में है यहाँ पे ए बी सी का यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे टू बी टू ए टू सी का यूज हुआ है तो मुझे बताओ अगर तीन नंबर ए पी में है तो मैं उसमें कुछ भी ऐड कर दूँ कुछ भी सब कर दूँ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइड कर दूँ तब भी वो नंबर क्या रहते हैं ए पी में रहते हैं तो बताओ टू ए टू बी और टू सी

इस डिटर्मिनेट के बच्चों क्या निकालनी है वैल्यू कुछ भी बिना सोचे आप सिंप्लीफाई कर दो इस बस डिटर्मिनेट को क्या आएगा बताओ वन प्लस आइटा इंटू यह क्या देखो ये आइटा है और यह वन माइनस आइटा मतलब आएटा वन और माइनस क्या होगा बोलो वन प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन माइनस आइटा बस कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको नहीं करनी ठीक है ये होल स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस आइटा का और ये क्या हो जाएगा बोलो माइनस में आइटा इंटू वन प्लस

अच्छा वन माइनस आइटा का होल उसके माइनस टू आइटा होता है और माइनस आइटा और माइनस आइटा उसके यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा वन और ये टू हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो गया वन इसको सिंप्लीफाई कर लो बस वन माइनस आइटा और ये क्या आ गया बच्चों वन माइनस आइटा इन टू ये ध्यान से देखो वन माइनस थ्री आइटा आ गया क्या और प्लस में क्या आ गया थ्री आइटा वन माइनस आइटा वन प्लस आइटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टू आएगा इनकी दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो वन से करोगे तो सेम करना फोर आइटा और प्लस के थ्री आइटा फोर प्लस सेवन आइटा आंसर क्या आ गया, 2, minus, minus, plus, आ गया 4 4 देखो फोर प्लस में सेवन आइटा सिर्फ क्या था क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन यानी कि फोकस कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट जहां पर भी थोड़ी सी भी गलती हुई आंसर क्या आएगा गलत बट गलती नहीं करोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा आपको इस डिटर्मिनेट की क्या निकालनी है बच्चों वैल्यू फिर मैं देखो आपको बात कह रहा हूँ जब भी डिटर्मिनेट के अंदर जो टर्म्स है ना या जो इसकी एंट्रीज है वो वेरिएबल की फॉर्म में हो ना हो बच्चो उस वेरिएबल को आप अजूम कर लिया करो कुछ भी ठीक है आप मेरे को ये बता दो एक्स को क्या मानना चाहिए एक बच्चा कहता है सर एक्स को वन मान लो चलो आपकी बात मैंने मान ली एक्स को वन मान लिया तो बताना इसका आंसर क्या आ जाएगा एट इंटू वन एट अब बी ऑप्शन में भी एट है सी में भी एट है तो फिर आप मैच करना मुश्किल हो जाएगा ना अगर एट आ गया तो इसका आंसर फिर आप क्या करो एक्स को टू मान लो अगर बच्चों एक्स को टू मानोगे तो आप मेरे को बताओ ये कितना होगा एट इंटू फोर और देखो चार ऑप्शन फिर क्या हो जाएंगे अलग अलग एक्स को टू मानोगे तो ये कितना आ जाएगा थर्टी टू तो मैं कहता हूँ एक्स को क्या मान लो टू जीरो मत मान लेना जीरो मानोगे तो ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे तो बाद में मैच करने में परेशानी आएगी ठीक है एक्स को टू मानो तो बोलो क्या आ गया टू माइनस टू जीरो टू मानोगे टू माइनस वन 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 का स्क्वेयर वन ये टू का स्क्वेयर फोर टू मानोगे तो ये क्या आएगा वन टू का स्क्वेयर फोर और टू प्लस थ्री का स्क्वेयर नाइन टू मानोगे तो टू का स्क्वेयर फोर और टू प्लस टू प्लस टू फोर फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन बस सिंपलीफाई कर लो जीरो है पहले तो फिर क्या आ गया माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू कितना आएगा सिक्सटीन माइनस के थर्टी सिक्स ये आएगा फिर प्लस के फोर इंटू नाइन माइनस सिक्सटीन यानी कि माइनस के सेवन तो ट्वेंटी

अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट में से इन दोनों में गैप कितने का बताऊँ कितने का गैप है दो का है ना सेवेंटी नाइन एटी वन और इनमें भी कितने का गैप है दो का तो मैं आर वन को चेंज कर रहा हूँ क्या आर टू को लिख लो आर टू को क्या लिख लो आर टू माइनस आर वन तो फर्स्ट रो तो लिखो सेम फर्स्ट रो सेम लिख दी आर टू इस एलिमेंट में से ऊपर वाला एलिमेंट घटाओगे तो बताओ टू आएगा क्या और ये भी क्या आएगा टू आएगा क्या बस अब तो क्वेश्चन सोल्व करना कितना आसान हो गया अब तो इसको एक्सपेंड कर दो टू इन टू सेवन फाइव सेवन नाइन और माइनस में क्या हो गया टू इन सेवन फाइव एट नाइन तो टू कॉमन ले लो सेवन फाइव सेवन नाइन में सेवन फाइव एट नाइन माइनस करोगे बच्चों अंदर कितना आगे बोलो माइनस टेन तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका माइनस का ट्वेंटी ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसकी वैल्यू आपको जीरो दे रखी है तो आपको बच्चों एक्स निकालना है ठीक है एक्स निकालना है देखो एक बच्चा तो क्या करेगा मेरी बात ध्यान से सुन लो वो इसको एक्सपेंड कर देगा सीधा नो डाउट एक्सपेंड करोगे आंसर बच्चों आ जाएगा बट थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा फिर फिर भी मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करके दिखा देता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेंड करना थ्री माइनस एक्स इंटू इंटू क्या होगा बोलो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने और इंटू ये माइनस में क्या करोगे नाइन फिर माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स हो जाएगा और ये क्या आएगा बोलो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बोलो माइनस माइनस प्लस यानी कि ऐसे लिख दो क्या सिक्स इंटू सिक्स प्लस एक्स और ये क्या होगा माइनस के नाइन फिर प्लस थ्री और ये कितना होगा माइनस का एटीन और माइनस में थ्री इंटू थ्री माइनस एक्स और इक्वल टू क्या रख दो जीरो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सोल्व कर लो इसको बस आप थ्री माइनस एक्स इन इनकी मल्टीप्लाई करना माइनस सिक्स से करोगे तो ऐसा आएगा माइनस एक्स से करोगे तो बच्चों की आएगी है, है ना प्लस सिक्स थर्टी सिक्स माइनस नाइन ट्वेंटी सेवन प्लस में सिक्स एक्स और प्लस में थ्री इंटू ये देखो ध्यान से माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस एटीन माइनस के नाइन माइनस के ट्वेंटी सेवन और प्लस के क्या आ थ्री एक्स आ जाएंगे सोल्व करो आप थ्री माइनस एक्स इन टू एक्स स्क् और माइनस के कितने आ गए ये प्लस के थ्री एक्स गए और माइनस के कितने आ गए बच्चों ट्वेंटी सेवन गए और ये क्या आ गया सिक्स एक्स प्लस में ट्वेंटी सेवन और प्लस में थ्री थ्री कॉमन ले लो अंदर से क्या आ गया बोलो एक्स माइनस नाइन आ गया एक्स माइनस के क्या आ गया नाइन ये हो गया अब आप ध्यान से देखो इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो ये क्या बन जाएगी बच्चों क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी ना अब आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा तो तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करके दिखाया था कि आपको पता लगे कि इस तरह से लिखने के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना पॉसिबल नहीं होगा लिमिटेड टाइम के अंदर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी ठीक है तो अब इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ देखो स्मार्ट मैथड आप इन रो हमेशा डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी लगाने पे ध्यान किया करो कि ज़्यादा एक्स है अगर एक डिटर्मिनेट के अंदर उसको सोल्व करना मुश्किल हो रहा है तो कुछ एक्स को ख़त्म करो आप ये ध्यान करो कि ये रो ये रो और ये रो इनके तीनों एलिमेंट को मैं जोड़ूंगा तो क्या होने वाला है ये थ्री प्लस का ये थ्री प्लस सिक्स और ये माइनस सिक्स तो ये कौन टर्म बच्चों सारी क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी सिर्फ क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा तो बस आप क्या करो आर वन को चेंज कर दो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है ना बच्चों ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स ऐसे इसमें देखो थ्री थ्री और माइनस सिक्स सारे कट जाएंगे तो ऐड करोगे सबको तो क्या बचेगा माइनस एक्स इनको भी ऐड करोगे बच्चों क्या बचेगा माइनस एक्स देखो अब ये तीनों एलिमेंट क्या बन गए सेम बन गए और बस बाकी दो रो को तो क्या लिखो सेम लिखोगे अब ये क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा ये जीरो दे रखा है अच्छा पहली रो में से पहली रो में से चाहो तो एक्स कॉमन ले लो या माइनस एक्स क्या ले लो बच्चों कॉमन ले लो क्या बचेगा वन 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 देखो और भी छोटा हो गया क्वेश्चन ये आ गया अच्छा अब अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो दो को जीरो बना बना ले दो को क्या बना लो बच्चों जीरो इसमें से ये माइनस कर दो और इसमें से ये यानी कि को तो लिख दो सीवन और सी थ्री को क्या लिख दो बच्चों सी थ्री माइनस सीवन तो सोल्व करना अच्छा एक्स की एक वैल्यू तो जीरो आ रही है ना एक्स की एक वैल्यू तो क्या बच्चों जीरो और ऑप्शन में जीरो है तो मतलब आप डायरेक्ट क्या कर दो तो? टिक ही कर दो अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे इसको सोल्व भी कर सकते हो देखो कैसे यानी कि आंसर देखते ही आप जीरो जब आंसर में है और एक्स इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो है तो एक्स भी तो जीरो होगा ना एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो हो सकती है तो फिर आगे सोल्व करोगे तो बताओ फर्स्ट कॉलम तो क्या है सेम रखोगे इसमें से ये घटा दो इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि नाइन माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा जीरो और ये माइनस करोगे जीरो थ्री ये नाइन हो जाएगा इसमें से ये घटाओगे तो बच्चों माइनस के नाइन और माइनस के क्या हो जाएगा एक्स तो इसको एक्सपेंड करना तो क्या है बिल्कुल आसान है क्या होगा बोलो नाइन माइनस

अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो साइन पाई कितना होता है जीरो हो गया? अब ध्यान से देखो, जो वो क्या हो गया जीरोमेंट और डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं ठीक है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं बट बाकी दोनों भी तो नेगेटिव होने चाहिए ना ये और ये भी तो नेगेटिव होने चाहिए ये नहीं दिख रहे मेरे कोई बात नहीं

इसकी वैल्यू आपको निकालनी है यह भी ध्यान से देखो जब भी ये तीनों एलिमेंट आपको बच्चों जीरो मिले ना तो आपका शक जाना चाहिए कि कहीं ये मैट्रिक्स स्क्यूसमीट्रिक तो नहीं है और मुझे दिख रही है ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है ना बिल्कुल ये दोनों तो एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है ए माइनस सी और सी माइनस ए बिल्कुल है और क्या ये दोनों तो एलिमेंट बच्चों नेगेटिव है एक दूसरे के तो ये कैसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री तो इसलिए इसका डिटर्मिनेट क्या आएगा बच्चों जीरो आएगा ये देख लो ये इक्वेशन एक, एक दो तीन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है बच्चों सॉल्यूशन निकालने का मैंने आपको क्या क्रेमर रूल बताया हुआ ना सबसे पहले आप क्या निकाला करो टी D क्या होता है इनके कोफिशेंट का डिटर्मिनेट अगर डी नॉन जीरो आ गया तो याद करो कितने सोल्यूशन होते थे यूनिक सोल्यूशन बच्चों अगर डी नॉन जीरो आ गया तो सोल्यूशन कैसा होता है इसका सिर्फ यूनिक बट अगर डी जीरो अगर क्या आ गया डी जीरो तो फिर केस आएंगे अगर डी वन निकालो फिर डी टू निकालो डी थ्री निकालो और सारे ही जीरो आ गए तो बच्चों सोल्यूशन कितने होते हैं इनफाइनेट सोल्यूशन है ना और अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया एटलीस्ट वन ऑफ

द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन बच्चों कहता है ये तीन इक्वेशन वाले सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक हो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है ए पे करता है बी पे करता है सी पे करता है अब आप देखेंगे ठीक है आप आपका मतलब क्या है डेल्टा क्या होना चाहिए नॉन जीरो फॉर यूनिक सोल्यूशन बच्चों मैंने अभी क्या बताया था यूनिक सोल्यूशन के लिए डी क्या होना चाहिए नॉन जीरो इसका मतलब डी निकालो आप क्या है डी बताओ वन 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 और यहाँ से क्या आएगा टू थ्री माइनस वन और यहाँ से क्या आएगा देखो फाइव माइनस वन और ए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉन ज़ीरो वैसे तो मुझे पता है कि इसमें पी और सी तो बच्चों है ही नहीं पी पी तो है ही नहीं इसके अंदर तो फिर इसका आंसर या तो किस पे डिपेंड करेगा ए पे डिपेंड करेगा या फिर ना ए पे डिपेंड करेगा ना पी पे डिपेंड करेगा हो सकता है बच्चों जो इसका आंसर निकालो मैं डिटर्मिनेट का आप सोच रहे हो सर इसमें तो ए है तो इसके आंसर में ए तो आएगा नहीं बच्चों ऐसा जरूर नहीं हो सकता कट जाए वो ए यानी कि इसका आंसर सेवन आ जाए तो सेवन तो क्या होता है नॉन जीरो नंबर होता है मतलब ए को आप कुछ भी पुट करो तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 7. तो इसका या तो क्या बच्चों और या क्या इसका टी आएगा मैं चेक करके बताता हूँ <coughs> क्या आएगा ये टू ए प्लस और प्लस वन इंटू क्या बच्चों माइनस के टू और माइनस के फिफ्टीन ये वैल्यू नॉन जीरो बचेगा है ना अपने को दिख रहा है

सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस कहता है पी की किस वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा नो सोल्यूशन के लिए क्या होता बच्चो? तो ना सबसे तो क्या है बच्चों पहली कंडीशन के लिए डी क्या होना चाहिए आपका जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ पी वन 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 पी वन और वन वन पी ये बच्चों क्या होना चाहिए जीरो सोल्व करे इसको एक्सपेंड कर दो सीधा ही है ना या तो सीधा एक्सपेंड कर दो या क्या करो देखो इस तीनों रो को फर्स्ट रो को क्या कर दो ऐड कर दो आर वन प्लस, R2 प्लस R3. क्या फायदा होगा कि पहली रो के तीनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे प्लस टू बन जाएगा यहाँ पे भी पी प्लस टू बन जाएगा यहाँ भी पी प्लस टू और फिर मैं क्या ले लूंगा पी प्लस टू कॉमन पी प्लस टू क्या ले लो बच्चों कॉमन ले लो क्या बच गया वन 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 पी वन वन पी अब क्या कर लो सीधा इसको एक्सपेंड कर लो आई थिंक क्योंकि एक्सपेंड करने से छोटा ही होगा क्वेश्चन माइनस वन माइनस वन टू पी माइनस वन और प्लस वन टू वन माइनस पी क्या जीरो तो एक तो पी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी ना इसको सिंपलीफाई कर लो माइनस पी प्लस वन और प्लस वन माइनस पी गया तो यहाँ से पी प्लस टू ये क्या आ गया बच्चों पी स्क्र जब माइनस पी माइनस पी कितना हो गया बोलो माइनस के टू पी और एक वन कट गया और प्लस के क्या आगे वन तो ये तो आई थिंक पी माइनस वन का होल स्क्वायर होता है ना ये तो क्या होता है P -1 का होल स्क्वायर तो P की तो की दो वैल्यू आ आ आ गई गई कितनी कितनी एक तो और एक बच्चों कितनी 1. और और बच्चों ऑप्शन नंबर बी गया ये ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों जो तीन इक्वेशन दे देखे ना ये ध्यान से देखो ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है होमोजीनियस किसको बोलते हैं जिनमें कॉन्स्टेंट टर्म बच्चों क्या होती है जीरो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इनमें कॉन्स्टेंट टर्म देखो क्या है जीरो

इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन होगा या ना होगा वो किस पे डिपेंड करता है डेल्टा पे यानी कि डी पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है बच्चों इसका इस जीरो 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 के अलावा भी कोई सोल्यूशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या हुआ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो बस डी को जीरो पुट कर दो थ्री के माइनस टू वन के थ्री और टू थ्री और माइनस फोर की वैल्यू को आप डायरेक्ट जीरो पुट कर दो और जो भी आंसर आएगा के का निकाल दो बस थ्री इंटू माइनस फोर के माइनस नाइन माइनस के इंटू माइनस फोर माइनस के सिक्स माइनस के टेन और माइनस टू इंटू क्या बच्चों थ्री माइनस टू के इक्वल टू क्या आ गया जीरो सोल्व कर लो इसको माइनस के ट्वेल्व के माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस टेन के माइनस सिक्स प्लस फोर के ये कितना आ गया फोर्टीन फोर्टीन में से ट्वेल्व गया टू के और माइनस के कितना आ गया आई थिंक थर्टी थ्री उधर जाके क्या होएगा थर्टी थ्री हो जाएगा के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? थर्टी थ्री बाई टू बिल्कुल आसान क्वेश्चन था